हेलो दोस्तों, शरी मोड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बिहार एक्साइज कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीका से आप लोगों का चल रहा होगा। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भले एग्ज़ाम डेट बढ़ जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी एग्ज़ाम बेहतरीन तरीका से करना है और पक्का अपना रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करना है। अभी होली के अवसर पर सभी लोग अपने घर गए हों, हम भी अपने घर आए हों। जहाँ भी मुझे शांति मिल रहा है, अभी आवाज़ आप लोगों को इको कर रहा होगा, बट जहाँ भी शांति मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से वीडियो बनाकर दे दूँ, क्योंकि होली का मौसम है तो समझ ही रहे हैं सभी जगह से गाना आना, गाना गाना, सभी दोस्त लोग भी आए हुए हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बना रहे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में। पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताना है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत से नाम से जाना जाता है? यानी कि इस वायुमंडलीय परत में मौसम परिवर्तन होता है, बारिश होता है, आंधी आता है, तूफान आता है। ये जो मंडल होता है ये होता है क्षोभ मंडल। इसे आप देखिएगा, दोनों में देखिए दिया हुआ है क्षोभ मंडल। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्षोभ मंडल। कोई भी आप लगाए होंगे, ए या डी दोनों में से कोई भी लगाए होंगे, क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक, ट्रोपोस्फेयर जो हो जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल जो है ना ये समताप मंडल का ही भाग है, ठीक। ओजोन जो लेयर जिसका फॉर्मूला O3 होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये दोनों आपको ए भी लगाए होंगे, डी भी लगाए होंगे, कोई आपको एक ही होगा क्योंकि दोनों में एक ही नाम दिया हुआ है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखिएगा कि अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। इसमें सुरक्षा जो परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य पूछ रहा है, ठीक, अस्थायी सदस्य नहीं, ठीक। इनके अस्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर है वो 5 ऐसे देश हैं और उनके पास वीटो पावर भी है, जैसे आपको रसिया हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया, ठीक। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने वाले आपको जो कंट्री थे उनको आपको वीटो पावर मिला था मुख्य रूप से आप देखिएगा। तो ऐसे 2 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, चौथ और सूरजमुखी, देखो चौथ और सूरजमुखी जो कर लगाया जाता है ये किसके द्वारा लगाया जाता था? ये एक प्रकार का टैक्स है और ये टैक्स मराठा द्वारा लगाया जाता था। किसके द्वारा? मराठों द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 3 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, सो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए। बैरोमीटर का अचानक पटांग गिरने लगता है, ठीक, तो वो आपको आंधी तूफान आने की संभावना होती है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व के सबसे गहरी झील पूछता है आप लोगों से। सो विश्व के सबसे गहरी जो झील है इसका नाम है बैकाल झील, बैकाल झील है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है इसका नाम है टिकटिका झील, ठीक, ये भी याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सो सुपीरियर आपको सागर जो हो जाता है वो झील है और वो खारे पानी का सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछता है सुपीरियर नहीं, सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की झील है, कैस्पियन सागर, माफ करना, कैस्पियन सागर है और वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील, पूरे विश्व में पूछे बड़ी झील तब पर भी कैस्पियन सागर हो जाएगा, और खारे पानी पूछे तब पर भी, अगर मीठे पानी के पूछे तो सुपीरियर झील हो जाएगा, ठीक, आपको पता होना चाहिए, और आपको सबसे गहरी पूछे तो बैकाल झील हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पूछे तो टिकटिका झील हो जाएगा, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऋण आवेशित होता है, आपको जो एटम होता है आप देखिएगा तो उसके जो नाभिक होते हैं, नाभिक के आपको बाहर जो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है चक्कर लगाते हुए, और ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था जे.जे. थॉमसन द्वारा किया गया था, ठीक, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन का चैडविक द्वारा किया गया था, जब चैडविक। इसके आंसर हो जाएगा जे.जे. थॉमसन। आपको देखिएगा नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये नाभिक में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 7 है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक। सो कौन से जल डमरूमध जो होती है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा जिब्राल्टर का नाम आप सुने होंगे, ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर की कुंजी इसे बोला जाता है। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिब्राल्टर क्या करता है कि अब यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, शाहनामा जो किसकी कृति है, यानी शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। शाहनामा जो लिखा गया है फिरदौसी द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, फिरदौसी। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, देश के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? शुद्ध देश के सबसे गहरा बंदरगाह का नाम आपको बताना है और वो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। सो विशाखापट्टनम हो जाएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की बच्चे जलधारा कहा जाता है? क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के समीप यह जलधारा उत्पन्न होता है।
तो ये निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे के धारा के नाम से जाना जाता है? सो अल नीनो जलधारा। अल नीनो लाल नीनो का नाम आप सुने होंगे, जो कि इंडियन मानसून को भी प्रभावित करता है। सो ये अल नीनो जलधारा हो जाएगा जो इंडियन जलवायु को प्रभावित करता है। दस के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है? ये देखो, विश्व की सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे ऊंची नहीं पूछ रहा है, या लंबी, ये कहने का मतलब लंबी हो सकता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो ऐसे आपको पाया जाता है, ये एंडीज हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये लंबी श्रृंखला है, आपको सबसे ऊंची श्रृंखला पूछे, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा वाला, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। हिमालय, हिमालय को आपको पता होना चाहिए। और ये अगर सबसे लंबी यहाँ पर देना चाहिए, विश्व के सबसे वो सबसे बड़ी या लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, ये एंडीज हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, माउंट कोटपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटपैक्सी जो है, ये आपको माउंट भी है और आपको ज्वालामुखी वाला है पर्वत, ये माउंट कोटपैक्सी कहाँ पर स्थित है? सो इक्वाडोर में स्थित है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए यहाँ से, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? यानी कि सुबह का तारा, भोर के तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सौंदर्य के देवता, पृथ्वी के जुड़वा बहन और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह हो जाएगा, ये हो जाता है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, सरगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी इस बात का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सरगैसो सागर कहाँ स्थित है। सरगैसो सागर जो है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये याद रखिएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर। 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मत्स्यन किस प्रकार की, यानी कि आप देखिएगा, मत्स्य जो पालन होता है, मछली पालन, ये किसके अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो मत्स्य पालन हुआ, कृषि हुआ, खेती हुआ, ये सब जो हो जाएगा, ये आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। और हमारे जीडीपी में सबसे अधिक जो योगदान देता है, यानी पैसे से, वो आपको तृतीय क्षेत्र देता है, यानी सेवा क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आपको आ जाते हैं उद्योग वाला, ठीक, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ये हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? सो ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो है कालगुरली, ये किसके लिए विख्यात है, ये आपको बताना है। सो ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है कालगुरली, ये है आपको स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात। जैसे कर्नाटक के कोलार है, वहाँ पर स्वर्ण उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना है, हीरा के लिए जाना जाता है, ठीक, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली है, जो कि स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 16 के आंसर ये हो जाएगा। 24 कैरेट के सोना शुद्ध सोना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, गुप्त वंश का वो कौन था जिसने हुरुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये देखिए, ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 था, नीचे हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये बताना है गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जो हुरुड़ को रोका था, ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हो जाएंगे, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आपसे। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 17 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? सो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, जिसके आपको देखिएगा अभी फाल्गुन चल रहा है, खत्म हो जाएगा, कल होली है, तो फिर आप देखिएगा चैत्र महीना स्टार्ट होगा और हमारा सबसे पहला वो महीना हो जाएगा। सो ये संक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, लाख बक्स के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक, जो लाख बक्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि लाखों का दान देते थे, और इनका आपको बोला जाता है गुलाम वंश के संस्थापक ये थे, और ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 19 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो आप, कुपोषण से अधिक किसकी, कुपोषण जो होता है, आप देखिएगा पैर हाथ आपको पतला सा हो जाता है, पेट निकल जाता है, सो ये कुपोषण जो होता है, ये शरीर के हमारे जो ढांचागत विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की अधिक कमी आपको दिखती है, जिसके कारण कुपोषण आप लोग बोल देते हैं, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 21 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? देखिए, सिरके, सिरका में क्या पाया जाता है, ये पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये अम्लीय होती है, तो इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू जो है आपको रिएक्टर्स, आपको देखिएगा पीएच वैल्यू जो हो जाएगा ये 7 से कम होगा, ठीक। तो ये जो 7 से कम होगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, निम्नलिखित कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ये बताना है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र, सेल जो है,
सेल का नियंत्रण केंद्र जो हो ये क्या होता है आपको ये बताना है, तो ये केंद्रक होता है। नियंत्रण केंद्र क्या होता है? केंद्रक होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 24, निम्नलिखित में से किसकी बेधन क्षमता अधिक होती है? शो रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, और इसमें सबसे अधिक जो बेधन क्षमता होती है ये जो होती है ये आपको गामा किरण की होती है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, 24 का आंसर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। एसआई पद्धति में लेंस जो है मतलब कि एसआई यूनिट बताना है लेंस की, लेंस की जो पावर होता है उसका एसआई यूनिट बताना है, ये आपको बताना है। सो लेंस की जो पावर मापा जाता है ये डायोप्टर में मापा जाता है, किसमें? डायोप्टर में, ठीक। ये भी याद रखिएगा, न्यूटन बल होता है, वाट शक्ति आपको पता होना चाहिए, तो डायोप्टर हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर डी हो जाएगा। सो आप लोग 25 क्वेश्चन मैंने कराया और ये 25 क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया भी। अब ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बता दीजिए। कंटिन्यूटी बनाकर रखना जरूरी है, और जैसे ही मैं यहाँ से होली बिता कर जाता हूँ आपका लाइव क्लास जो होता था वो टाइमिंग फिक्स है, जो 3 बजे वो आपको होते रहेगा, ठीक। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।